हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में अब पेड़ों की भी पेंशन होगी और पुराने पेड़ भी अब लोगों को मुनाफा देंगे। दरअसल हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं जिससे इस योजना में 100 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा और विभाग पेड़ों के मालिक को सालाना 3,000 रुपये से 5,000 रुपये भुगतान भी करेगा। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं और ये पेड़ पक्षियों के लिए खर होते हैं, इसीलिए पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, जिसके लिए इस मसौदे पर विचार किया जा रहा है। वो बड़े पुराने पेड़ ना होने की वजह से कई समस्याएं आती हैं पर्यावरण के लिए, कई समस्याएं। मैं अपने मन में एक विचार कर रहा था कि अगर हम इसको शुरू करें ना, क्योंकि तो बहुत पुराना पेड़ होता है उसमें फल भी नहीं आता उस टाइप का, उसके उतने लाभ नहीं होते, तो कई बार लोग उसको अनुपयोगी समझ के काट भी देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा सा पैसा उसको दें, 3-4 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये जो भी फाइनल होगा, कि 3 से लेकर 5 तक कुछ हम उसको अगर साल में दें तो मेरे ख्याल का इंटरेस्ट बढ़ेगा। पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ हैं, चाहे कहीं मान लो शहर के पार्कों में हैं या कोई कहीं सड़क के किनारे है या किसी प्राइवेट लैंड जिमीदार की खेत में खड़ा है। अब जिम्मेदार ये सोच के कि यार पेड़ बहुत बड़ा हो गया, पुराना हो गया, मेरे फसल को नुकसान करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। एक तो उसको जिम्मेदार को नाज होगा कि देखो मेरे यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी पेंशन लगी हुई है। मेरी पेंशन है कि नहीं है, मेरे पेड़ की पेंशन जरूर है,